प्यारे लोगों, आप लोगों को जानते ही होंगे, आप लोग जानते ही होंगे कि संतों के संग का नाम सत्संग है। जिस समय में कोई संत होते हैं उनकी पहचान किन्हीं को होती है कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। किंतु जो बीत गए हैं, जो अभी नहीं हैं, उनके प्रति श्रद्धा लोगों में होती है। वे तो अब मिल नहीं सकते, किंतु उनकी वाणियाँ हैं। आजकल विद्वान लोग उनकी वाणियों को खोज खोज कर प्रकाशित करते हैं। हम लोगों के सत्संग में संतों की वाणी की ही मुख्यता है। हम लोगों की श्रद्धा ऐसी है कि संतों के वचनों को ही उनका दर्शन समझते हैं। चिट्ठी आधी मुलाकात है, संतों की वाणियाँ उनकी चिट्ठियाँ हैं। यदि संतों का पूरा दर्शन नहीं तो आधी मुलाकात ही क्या कम है। संतों की वाणी में असल बात ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर दर्शन, आत्मज्ञान है। तीनों एक ही बात है। ईश्वर की प्राप्ति के यत्न और उनके स्वरूप को जानना चाहिए। उपनिषद में ईश्वर का प्रयोग ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा कहकर किया गया है। आत्मा वह पदार्थ है जो अनादि अनंत है, उसी को परमात्मा कहते हैं। जैसे आकाश कहने से घटाकाश और महदाकाश दोनों का ज्ञान होता है, उसी तरह आत्मा कहने से परमात्मा और जीवात्मा दोनों का ज्ञान होता है। जो सर्वव्यापी सर्वव्यापकता के परे हैं और जो पिंडस्थ हैं उनका भी ज्ञान होता है। जीवात्मा और परमात्मा का भेद कहने में पिंडस्थ को जीवात्मा और सर्वव्यापक तथा सर्वव्यापकता के परे को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, उनके लिए कहा गया है कि वे मन से पकड़े नहीं जा सकते। मन जिसके सहारे हैं, मन की स्थिति नहीं रह सकती। यदि उसके आधार परमात्मा ना हो, मन जिनको ग्रहण नहीं कर सकता, जिनसे मन ग्रहण होता है वे परमात्मा हैं। संसार में दो तरह के पदार्थ हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। इंद्रियों से जो ग्रहण हो वह व्यक्त है और जो इंद्रियों से ग्रहण में नहीं है वह अव्यक्त है। उस अव्यक्त तत्व के लिए कहा गया है कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसको मन मनन नहीं कर सकता है, वह अव्यक्त हैं। व्यक्त पदार्थ जो इंद्रियों से ग्रहण होता है वह एक समान सदा नहीं रहता है, वह उपजता है, ठहरता है, बदलते बदलते नाश की ओर जाता है और बाद में प्रत्यक्ष नहीं रहता है। इनमें से कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो उपजा नहीं हो और जिसका विनाश नहीं हो। ऐसे पदार्थ को कहा गया है क्षणभंगुर। उपनिषदों में इसे माया कहा गया है, संतवाणियों में भी इसे माया कहा गया है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं वह अव्यक्त है, निर्माया है। जो उपजा हो कुछ काल रहे फिर नाश की ओर जाए वह नाशवान होगा, वह परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा समय के पहले से है। समय और स्थान की मौजूदगी नहीं थी तब से परमात्मा है। जब माया नहीं थी तब से परमात्मा है, बल्कि माया परमात्मा से उत्पन्न हुई है। परमात्मा का ज्ञान है कि वे अभी उपजे नहीं हैं। गुरु नानक देव के वचन में है, अलख
अपार, अगम, अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नाति सुभाव न भर्मा, साँचे सचियार बिटहु कुड़वानु, नाति सुरूप बरनु नहीं रेखिया, साँचे शब्दि निशानु। अलख आँख के ज्ञान से परे, दृष्टि के परे, जिनके स्वरूप की सीमा नहीं, इसलिए अपार, जो किसी से पार होने योग्य नहीं है, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए समय नहीं, समय और पदार्थ हैं, माया के सब पदार्थ अटते हैं। देश और काल से जो परे पदार्थ हैं, वही परमात्मा है। सभी संतों की वाणी में ऐसा वर्णन है, परमात्मा कभी हुए हैं ऐसा नहीं, वह है ही है। परमात्मा के ज्ञान के लिए कबीर साहब ने कहा, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन का अर्थ माया और निरंजन का अर्थ माया रहित परमात्मा या राम, मायिक पदार्थ से परे हैं। जो कुछ आँख से देखते हैं वह पसार माया का पसार है। जो किसी भी इंद्रियों के ग्रहण में आता है वह माया है। जो व्यक्त है वह तुम्हारे पास है। व्यक्त में पांच पदार्थ है, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। तमाम संसार में इस लोक या परलोक पर जहाँ विचारिए वहाँ पंच विषय है। जहाँ कोई रहते हैं उनके चारों ओर पंच विषय रहते हैं। नज़दीक की चीज को इस और दूर की चीज को उस कहते हैं। परमात्मा इस श्रेणी के नहीं हैं। जो कोई इस पदार्थ की उपासना करते हैं वह ब्रह्म की उपासना नहीं। हाँ, सब में व्यापक ब्रह्म है, इस प्रकार मानने में उपनिषद और संतवाणी में कोई हर्ज नहीं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द ये ब्रह्म स्वरूप नहीं है, ये उपनिषदों ने बताया है और संतों की वाणियों में भी यही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसत इति वासना धूप दीजिए। अचर माने वृक्ष, पहाड़ आदि, जो अपने से कहीं आ जा नहीं सके। जो अपने से चल फिर सकता है वह चर है। जैसे आपके शरीर का स्वरूप आपका रूप है किंतु आप वह नहीं हैं। जैसे जो वस्त्र आप धारण करते हैं वह वस्त्र आपका है, न कि आप वस्त्र हैं। परमात्मा अचर चर रूप सब धारण किए हैं, इसलिए सब रूप परमात्मा के हैं, किंतु वे रूप परमात्मा नहीं हैं, बल्कि उन रूपों को परमात्मा ने धारण किया है। जैसे किसी धातु का जेवर बनाया जाता है, उसी तरह यह शरीर एक नक्शा है। परमात्मा चर अचर रूप में व्यापक है। उपनिषद के वर्णन में आपने सुना कि वायुर्थय को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकास्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ट। अर्थात वायु प्रत्येक वस्तु में रहते हुए उसी आकार का है, किंतु वह वही नहीं हो सकता। जैसे गिलास में वायु रहने से गिलास के आकार का मालूम होता है, किंतु वायु वस्तुतः वैसा नहीं है। वह तो गिलास में भी है और उसके बाहर भी है। उसी तरह परमात्मा अचर चर में रहते हुए सब में बाहर भी हैं, कहीं हटने वाले नहीं, सदा रहते ही हैं। संतों की वाणियों में जैसा बताया गया है उसी को परमात्मा स्वरूप के विषय में जानना चाहिए। आप इंद्रियों से जो रूप देखते हैं
वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर स्वरूप तक क्या है, उनकी भक्ति कैसे की जाए, उसको जानने के लिए सत्संग है। ईश्वर के लिए अभी के सत्संग में ज्ञान दिया गया कि ईश्वर कभी हुए नहीं, वे सदा से हैं। उनके होने का यदि कोई समय बतावे तो यह गलत है। परमात्मा इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य नहीं, उनको आप अपने को अपने से ग्रहण करेंगे। शरीर और इंद्रियों में रहते हुए जो आप हैं, उस अकेले ज्ञान में जो आवे, वे ही परमात्मा ईश्वर ब्रह्म हैं। उपनिषद में भी आया है कि ना वीरतो दुष्चरिता संतो ना समायत ना शांतो मानसो वापी प्राज्ञनयनन माप्यु नात्यात्। कठोपनिषद। अर्थात जो पाप कर्मों से बचा हुआ नहीं है वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सबको चाहिए कि पाप कर्मों से बचें। पाप कर्मों से बचने पर केवल ईश्वर ही नहीं मिलते, बल्कि पाप कर्मों से बचने वाले अपने अंदर में शांति से रहते हैं, संसार में पूज्य होते हैं, देवता के समान लोग उनकी वंदना करते हैं, वे स्वयं भी शांत रहते हैं और शांति स्वरूप परमात्मा को भी पाते हैं। दुष्चरित्र को इंद्रियों में आसक्ति रहती है, वह इंद्रियों में बंधा रहता है, इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ सकता। ईश्वर को पाने का रास्ता कैसा है, इसके लिए उपनिषद में कहा है, छुरस्य धारा निशिता दुर्त्या दुर्ग पथस्थ कवियो वदंती। अर्थात वह रास्ता छुरे की धार के समान दुर्गम है। यदि रास्ता दुर्गम है और तीक्ष्ण है तो उस पर चलने वाला कट नहीं सकता। उस रास्ते पर चेतन सहित मन चलेगा, किंतु संयम से रहो, पापों से बचो और संभल कर उस पर चलो। गुरु नानक देव ने कहा है, खानी हूँ तीखी बाल हूँ नीकी एतु मार्गी जाना। कितना हूँ सूक्ष्म और तेज रास्ता हो तो मन और चेतन भी बहुत सूक्ष्म है, वह उस पर चलने से कटेगा नहीं। संयम से रहिए और उस सूक्ष्म मार्ग पर चलने के लिए जानिए। यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत ग्राम सुनैली में दिनांक 9/4/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु। हाँ।